राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां ठंड के दस्तक देते ही निर्धन निराश्रितों को सुरक्षित एवं आधुनिक शीतकालीन रात्रि आश्रय हेतु सिंधी समाज की ओर से संचालित 12वें संत कंवरराम शीतकालीन रैन बसेरे का शुभारंभ आज आलमबाग में लखनऊ महापौर सुषमा खरकवार ने किया। बता दें कि मानवता के मसीहा अरम शहीद संत कंवरराम साहिब के प्रदर्शित सेवा मार्ग में अपनी श्रद्धा समर्पित करने की भावना के साथ स्थापित संत कंवरराम सेवा मंडल विगत 11 वर्षों से मानव सेवा के क्षेत्र में अपना यथा समर्थ योगदान देता आया है। सेवा मंडल के उपाध्यक्ष प्रीतम वलेचा ने बताया कि संत कंवरराम साहिब को समर्पित विभिन्न सेवाओं की श्रृंखला में पिछले 11 वर्षों से रैन बसेरे में लगभग 2 लाख लोग रात्रि आश्रय सेवा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। संस्था के वरिष्ठ सदस्य सतेंद्र भवनानी ने बताया कि इस वर्ष नहर चौराहे पर पुल बनने के कारण रैन बसेरा संत कंवरराम चौराहा आलमबाग में लगाया जा रहा है। ये रैन बसेरा पूर्णतः सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे CCTV कैमरा के साथ आगंतुकों का प्रविष्ट रजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें नाम पता व पहचान पत्र अंकित किया जाता है। यहाँ भोजन, चाय, गर्म कपड़ों इत्यादि का विवरण समाज के लोगों के द्वारा लगभग रोज ही किया जाता है। इस मौके पर वरिष्ठ अतिथियों के रूप में कैंट के पूर्व विधायक श्री सुरेश चंद्र तिवारी, सिंधी अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नानक चंद लखवानी, पार्षदगढ़ पीयूष दीवान एवं गिरीश मिश्रा उपस्थित रहे। वहीं सेवा मंडल के अध्यक्ष अमर अठवानी, उपाध्यक्ष मनोज पंजाबी, कोषाध्यक्ष वीर चंदानी, मुरलीधर अहूजा, अशोक चांदवानी, दीपक चांदवानी, हेमंत चंदानी, अजीत जोगी, दर्पण लखवानी, दिनेश लक्ष्मणी, मनमोहन आहूजा, तरुण संगवानी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा है जो ये रैन बसेरा के बारे में आप लोगों ने सोचा है। मेरे को लगता है काफी समय हो गया है। सेवा नर से सेवा ही नारायण की सेवा होती है। हम बहुत सारे पाप करें और मंदिरों में चले जाएं तो उससे हमारे पाप नहीं कटते हैं। आप अगर ये सेवा कर रहे हैं, मंदिर में जाना वो हमारा आस्था का केंद्र है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी ईश्वर की प्रार्थना यही है कि हम किसी निर्बल को रहने का आसरा दें, खाने के लिए कपड़ा और खाना दें, पहनने के लिए कपड़ा दें। मैं देखती हूँ रात में जैसे निकलती हूँ तो डिवाइडर में लोग सोए मिलते हैं। पिछली बार नगर निगम ने बहुत व्यवस्था करी थी, उसके बाद भी कई जगह ऐसे मिले कि जहाँ पर रोडों पे लोग सोए रहे। मेहनत मजदूरी करके हमारे पूर्व विधायक और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हम लोग के सबसे वरिष्ठ नेता श्री सुरेश तिवारी जी भी आए हैं। मैं इनका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हम लोग नगर निगम से पिछली बार 57 रैन बसेरा बने थे और बाकी सामाजिक लोगों ने भी लगातार जगह जगह बनाए थे। इस बार भी इस पे काम शुरू हो गया है। पिछली बार यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे नगर निगम का ही रैन बसेरा था, मैं आई थी। इस बार आपका जो जहाँ पे रैन बसेरा बनना था वहाँ पे माननीय सांसद, हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने बहुत बड़े एक जाम से हम लोगों को मुक्ति दी है। मुझे लगता है कि साल भर में ये काम हो जाएगा। और जिस तरीके से हमें आधा आधा घंटा अब चौराहे पर लग जाता है, अगर कहीं निकलना है पारा की तरफ तो सोचते हैं यार उस चौराहे से कैसे जाए, तो इस जाम से 8-10 महीने साल भर के अंदर अंदर हमको मुक्ति मिल जाएगी, जिसमें 121 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और काम भी शुरू हो चुका है बहुत बड़ा। वैसे माननीय सांसद जी, हम लोगों के सांसद जी ने बहुत सारे काम किए, देश के तो रक्षा मंत्री हैं, हम लोगों के सांसद हैं, बहुत सारे काम किए हैं लखनऊ में। आज अगर हमें कहीं भी जाना है, राजाजीपुरम हो चाहे इंदिरा नगर कहीं भी हो, 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते थे। मेन प्रॉब्लम ये यहाँ की थी, इसका भी समाधान हो गया है। इसके लिए विधायक जी ने भी प्रयास किया, हम लोगों ने भी प्रयास किया, लगातार प्रयास करने के बाद भी आज हमको सफलता मिली है। इस सफलता में आप सब हमारे पार्षद, मंडल अध्यक्ष, पूर्व विधायक नानक चंद जी सबका सहयोग रहा है
और आगे भी इस तरह सहयोग रहेगा। हम लोग लखनऊ को विकास की तरफ दौड़ाएंगे और साथ साथ में समाज की सेवा भी करेंगे। ये सेवा बहुत जरूरी है। मैं तो पिछली बार कई जगह रातों में गई हूँ देखने के लिए। गांव से लोग मजदूरी करने आते हैं लेकिन यहाँ पर रहने के लिए समस्या होती है। परिवार सहित सड़कों के किनारे बसे रहते हैं। तो मेरा नानक चंद जी से आग्रह है कि कुछ इसको या तो परमानेंट स्थायी करवा दीजिए यहाँ पे। अरे आदेश करो, मैं करवा दूँ। आप जाते हैं तो पहले काम हम नहीं कहने वाले थे, ताकि आप कर दीजिए। मेरे तरफ से तो नगर निगम की तरफ से तो घोषणा है, नगर निगम का खर्चा बढ़ेगा बचेगा। आप अगर इसे परमानेंट ले लें और यहाँ पे परमानेंट अपना ट्रेन में सरा करते रहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको, आप सबके सहयोग से काम होगा। इसका रेन बसेरा का, रेन बसेरा का, ठीक है, रेन बसेरा आप सबके सहयोग से, रेन बसेरा पार्क नहीं, रेन बसेरा। पहले मैं इको गार्डन को देखूंगी कि कैसा बना है। हाँ, तो वैसे ही फिर मैं कहूँगी ना कि यहाँ पे भी बनाया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।